ऐसा यूनिक कार्यक्रम जो सारे देश में हमने फैमिली आईडी का शुरू किया, सारे प्रदेश में। अभी तक व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होती थी, लेकिन अब परिवार की पहचान फैमिली आईडी से होने लगी है। और जब हमने शुरू किया है तो इसको केंद्र सरकार ने भी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं सर, उन्होंने इसको अपनाने का अपना संकल्प तय कर लिया है कि फैमिली आईडी के पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराएं। एक पत्र निकला है, कुछ प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि इस फैमिली आईडी का अध्ययन करके एक पायलट प्रोजेक्ट का शुरू करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें जो सरकारी योजनाएं सहायता जितने भी सेवाएं हैं वो इस फैमिली आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ योग्य व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को पहुंच जाएंगी। अपात्र व्यक्ति उससे पीछे रहना पड़ेगा, उसको वो आगे ले नहीं सकता। कई बार व्यक्ति डबल डबल फायदे भी ले जाते हैं सरकारी योजनाओं में, तो कई बार चेक नहीं होते, लेकिन इससे एक चेक लगेगा कि एक व्यक्ति एक योजना का लाभ एक व्यक्ति एक ही बार ले पाएगा, भ्रष्टाचार बहुत रुकेगा, फंड्स की प्रिफरेंस है वो कम होगी। तो एक यूनिक हमारा ये कार्यक्रम है। परिवार पहचान पत्र में हमने हर गरीब परिवार को कैसे सहायता दी जाए, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमने शुरू की, 6000 रुपया केंद्र सरकार की ओर से भी, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी अनाउंस किया गया, 6000 रुपया हमने भी अनाउंस किया कि उसकी जितनी भी स्कीमें हैं जिसका प्रीमियम उसको देना होता वो दे नहीं पाता है या देने की मंशा नहीं होती है, लेकिन लाभ बहुत होते हैं उन स्कीमों के, हमने कहा उन स्कीमों का प्रीमियम इस 6000 रुपये में से हम देंगे। चाहे जीवन ज्योति योजना है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर सम्मान निधि है, किसान निधि, किसान सम्मान निधि है, लघु व्यापारी सम्मान निधि है, श्रमजीवी सम्मान निधि है, तो इनके सबके प्रीमियम उसमें से हम देंगे। एक बहुत बड़ी एक योजना। फिर हमने ये कहा कि 1 लाख परिवार जो सबसे गरीब है उसका हमने कोई पैमाना नहीं रखा कि इतनी सीमा से नीचे, हमने कहा जो न्यूनतम आय के हैं उसका सर्वे हमारा चल रहा है, इनकम का वेरिफिकेशन, जो न्यूनतम होंगे वो न्यूनतम की सीमा 10000 तो करनी होगी, 25-30-50 हजार रुपया कुछ ना कुछ निकलेगी, तो उन 1 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें से उनको काम दिलाएंगे। कोई सरकार उनको पैसा देगी ऐसा नहीं है, पैसा तो 6000 रुपया जो देना है स्कीमों का देना है, लेकिन उसमें से कोई काम करने वाला परिवार का व्यक्ति छोटा काम बड़ा काम कुछ ना कुछ करा के 1 लाख रुपए से ऊपर उसकी इनकम साल की हो जाए। अभी तो 1 लाख का पहला टारगेट है, इसको हम 1,80,000 तक भी ले जाना चाहेंगे, बीपीएल से भी ऊपर उठे, तो ये एक स्कीम हमने बनाई है। स्वामित्व योजना, ये भी अपने आप एक यूनिक लाडोरा को समाप्त करके और हर व्यक्ति को उसका परिवार के यानी उसका जो मकान है उसके नाम हो जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसका वो यानी एक मलकियत होगी तो स्वाभिमान से वो भी रहेगा मेरा मकान है मैं इसका मालिक हो गया हूं। गांव में हमने पहले शुरू की, देश भर ने अपना लिया स्वामित्व के नाम से, आज कई प्रांतों में योजना शुरू हो गई है। और अब हमने शहरी स्वामित्व, जो जमीने 20 साल से पहले म्युनिसिपैलिटी से किसी ने लीज पर ली थी, अब वो आदमी 20 साल 30 साल 40 साल कईयों की 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी भी हो गई है, दुकान है मकान है लेकर बैठे हैं, आज लीज का पैसा देते होंगे सॉरी देते होंगे नहीं भी देते होंगे, झगड़े होंगे, लिटिगेशन होगी, तो हमने एक स्ट्रोक से ऐसे सबको उनका मालिकाना अधिकार देने के लिए योजना बना ली। बहुत सरकारों ने पहले भी लिया होगा, कभी 100-100 गज के प्लॉट की बात है, कभी और कोई विषय है, लेकिन ठीक उसका अध्ययन करके जिसको चाहिए उसको हम दे नहीं पाए हैं। इसका एक क्रेडिट के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि किसका अपना परिवार का घर है, किसका अपना घर नहीं है। जिसका घर नहीं है अगर वो सामर्थ्य है तो अपने आप बनाएगा, सामर्थ्य नहीं है तो सरकार और बैंक से उसकी सहायता कराएंगे, केंद्र सरकार की भी सहायता लेंगे। ऐसे ही एमएसएमई हमने अलग से विभाग बनाया, उद्योग में रोजगार के नाते हम ज्यादा रोजगार कैसे पैदा करें, और एमएसएमई में बहुत रोजगार होता है, तो इस विभाग को अलग बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई में केवल इंडस्ट्री नहीं है, इसमें हर प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें दुकान भी शामिल है, कोई किस प्रकार का सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें होती हैं वो भी उसमें शामिल है, सर्विसेज भी शामिल है, तो इन सब चीजों को उसमें जोड़ा गया है एमएसएमई में। पानी, हमने पानी की गंभीरता को समझा और पानी कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारे यहां पानी का स्रोत जो है बहुत लिमिटेड है, हमारा जो अधिकार है स्वायल का उस नाते से हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है
वो उसमें उलझा के रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में विषय है, कब सुलझेगा कब नहीं सुलझेगा। हम लगे हैं कि लगातार उस सुलझाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में निर्णय भी करवाया है। अब तो केवल एग्जीक्यूशन का है कि एग्जीक्यूशन केंद्र सरकार करे या कोई और एजेंसी करे, वो उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पानी हमारा उपलब्ध है हम उसका मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक करें। तो हमने उसकी द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना ये बनाई है कि इन दो वर्षों में, हालांकि इस पर जितना काम कोविड के दिनों में हम पर्याप्त नहीं कर पाए, तो इन दो वर्षों में फिर भी पर्याप्त, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की योजनाएं हैं, ऐसे सबके माध्यम से एग्रीकल्चर की उसमें योजनाएं हैं, पानी को कैसे बचाया जाए योजना हमने शुरू की। किसान धान को कम बोए, मेरा पानी मेरी विरासत, 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने का ये काम किया हमने। विश्व बैंक ने भी इसको सराहा है, ऐसी एक योजना जिसमें से पानी बचता है। 94,000 एकड़ लैंड पर पिछली बार पानी कम बोया गया, यानी धान कम बोया गया। इस बार 2,00,000 एकड़ का हमने टारगेट रखा है। छोड़ो, दो लाख टारगेट हमने एकड़ का रखा है और मैं समझता हूं इसको हम प्राप्त करेंगे। पानी का ट्रीटमेंट, ट्रीटेड वाटर, और उसको रीयूज करना, क्योंकि पीने के लिए तो पोर्टेबल वाटर हमें ताजा नहरी चाहिए, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए ट्रीटेड वाटर को रीयूज करने की स्कीम हमारी बन सकती है, उस पर हम बना रहे हैं और उसके कारण से भी पानी की हमारी खपत कम हम कर पाएंगे। इरीगेशन में माइक्रो इरीगेशन, जो काडा डिपार्टमेंट उसको मिकाडा बनाया ताकि माइक्रो इरीगेशन के ऊपर हम लोग काम कर सके, ताकि पानी की कैसे बचत हो। तो मित्रों, पानी पर हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताकि कॉमन मैन को ये पानी कैसे मिले, कम से कम पीने का और बाकी चीजें सुलभ पानी मिल जाए। इन सब कामों को ध्यान में रखते हुए, यानी देखते हुए, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नीति आयोग समय समय पर मूल्यांकन करता है स्टेट्स का। इस बार 2020 का जो रैंकिंग आई है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है हमें कि जो फास्टेस्ट मूवर जो जिनकी गति काफी तेज गति से बढ़ रही है, ऐसे प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में हरियाणा इज नंबर वन। बाकी प्रदेशों के आंकड़े 2019 से कोई 2 अंक, कोई 3 अंक, कोई 5 अंक उनकी रैंकिंग बढ़ी है, लेकिन हमारी रैंकिंग 10 अंक बढ़ी है। बड़ी स्टेट्स में सर्वाधिक है, केवल छोटी स्टेट्स में मिजोरम हमारे से आगे है जो 12 अंक लेकर के छोटी स्टेट्स में प्रथम रहा है। और इसमें भी हमने तय किया है कि अगले वर्ष इसमें और आगे बढ़कर के केरला को कैसे पकड़े, क्योंकि केरला अभी भी नंबर वन पर है। टोटल मिलाकर हमारे 67 रैंक है, उनकी 75 मार्क्स हैं रैंकिंग में, अभी भी हम 8 अंक पीछे हैं। जैसे इस बार वो 5 बढ़े हैं, हम 10 बढ़े हैं, 5 हमने कवर किए हैं। कोशिश करेंगे अगली बार उनसे हम पकड़ते हुए 8 अंक और उनके बराबर बढ़ जाएं, अगर वो 2-4 बढ़ते हैं तो हम 12-13 बढ़ जाएं ताकि उनको पकड़ सकें। कोरोना के दिनों में कुछ चीजें और भी हमको, जैसे एक चुनौती के साथ कुछ अवसर आते हैं, तो शिक्षा विभाग को भी ऑनलाइन करने का हमको अवसर मिला है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो विद्यालय जो अब घरों में पहुंच गए हैं, जो विद्यालय में बच्चे आते थे अब वो विद्यालय के ही अध्यापक ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। और इसके अंदर हमने अब विद्यार्थियों को लैपटॉप, यानी क्या, टैबलेट्स देने का निर्णय लिया है। 9वीं से लेकर 8वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट्स दिए जाएं ताकि उसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकें और जो यूट्यूब से भी करते हैं वो भी कर सकें, और कुछ अपलोडेड ऐसे जो लेसन्स हैं उसको मॉड्यूल के रूप में उसको पढ़ाई कर सकें। हमने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स मोबाइल दोनों को दिए ना, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर दोनों को मोबाइल दिए हैं ताकि फील्ड का जो डाटा है, अभी उनको कुछ को दे दिया, कुछ के भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों को यानी मोबाइल देने की हमारी योजना है ताकि फील्ड में
जो उनसे डाटा लिया जाता है वो एप्स के माध्यम से और आसानी से डाटा दे सकें, तो इन दोनों को उस प्रकार का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा को और वैल्यूएबल बनाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए, शिक्षा देखिए प्राथमिक शिक्षा में हम थोड़ा अपने आप को कमजोर मान के चलते थे, लेकिन इस वर्ष में जो योजना हमने बनाई है उसमें चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल की बात हो, प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करने के लिए संस्कृत मॉडल स्कूल जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, इनकी डिमांड आने लग गई है गांव से भी शहरों से भी। हमने इसके साथ प्ले वे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल में प्ले वे स्कूल्स की रचना भी की है, छोटे बच्चों के लिए क्रच इसकी खोलने की योजना बनाई है, ताकि अगर बचपन अगर मजबूत है तो ये मान के चलेंगे नागरिक अपने आप मजबूत होगा, तो इसलिए शिक्षा को मजबूत करने का भी काम हमने किया है। हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों को लोन में बड़ी कठिनाई आती थी, इसको सुलभ किया है। अब हायर एजुकेशन का लोन वो गवर्नमेंट गारंटी पर मिलेगा, जितना जिसकी आवश्यकता पूरा मिलेगा, और साथ ही हमने एक फंड एक गारंटी स्कीम बनाई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, कि अगर कोई बैंक लोन देता है और उसका वो वापस नहीं हो पाता तो हमारी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें से उस बैंक को वापस दिया जाएगा। वापस देने की जिम्मेवारी तो विद्यार्थी की है जो लेता है और बाद में नौकरी के बाद वापस करेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वापस नहीं हो पाता तो बैंक को सुरक्षित करने के लिए हमने अपनी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई है उसमें से पैसा उनको वापस मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई, पढ़ाई के साथ साथ स्किलिंग इसको थोड़ा मजबूत करके और ऐसे नौजवान को नौकरी मिले उस ओर आगे बढ़े तो स्किलिंग का भी बहुत बड़ा लाभ उनको मिल रहा है। बहुत से इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ एमओयूज किए, तो उस एमओयूज के माध्यम से और वो लोग स्किलिंग करके वहां प्लेसमेंट भी हो रही है। प्राइवेट उद्योग में जो नौकरी है उसके लिए एक बड़ा हमने काम किया और वो है 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स हरियाणा स्टेट की। थोड़ा इसमें उद्योगपतियों का थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए विरोध शुरू में था, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस लाइन पर आ गए हैं, क्या इस काम को हम करेंगे। उनकी ओर से अपेक्षा है कि हमें स्किल्ड यानी एक प्रकार से जो फॉर्मल स्किलिंग है, सॉफ्ट स्किलिंग है, इस प्रकार की जितनी आवश्यकता है उतनी कराकर देंगे तो वो नौकरी में रखने के लिए कोई उनको कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो देंगे। तो इसको एकदम फाइनल करने के लिए उसके रूल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी इसको हम पूरा कर देंगे। इस प्रकार जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विकास के काम एक एक करके हम, कुछ काम तो ऐसे हैं जो पहली बार हमने किए हैं और कुछ रूटीन के जो काम हैं हमारे जो विकास के हैं, जो उपलब्धियां हैं वो सब काम चालू हैं। कोरोना के दिनों में भले हम प्रत्यक्ष जाकर के कई बार प्रत्यक्ष जाकर के भी उद्घाटन शिलान्यास करते हैं, उसको करने में हमें कठिनाई आई, ऑनलाइन पिछले दिनों में 98 प्रोजेक्ट्स जिनके शिलान्यास और उद्घाटन हमने एक ही स्ट्रोक में किए 1170 करोड़ रुपए के, और ये चौथा कार्यक्रम है इस कोविड के दिनों में जब ऑनलाइन बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट्स को हमने किया है। लगभग 7500 करोड़ रुपए के पिछले 1.5 साल में हम लोग ये कर चुके हैं। हमारे मित्र कांग्रेस के खास करके कुछ आलोचनाओं में एक बड़ा आलोचना ये करते हैं कि हमने अपने समय में ये किया, हमने अपने समय में वो किया, और एक विषय पिछले दिनों में काफी चर्चा में उन्होंने चला रखा है कि मेडिकल कॉलेजेस, इसके बारे में बताया कितने खोले हैं। अब उनको कहीं कोई चीज नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं उंगली टिका देते हैं जाकर के। मैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कह रहा हूं कि उन्होंने जो खोले हैं अच्छा है, अच्छी बात है, जो खोले हैं तो खोलने ही चाहिए, किसी सरकार को नहीं खोलने चाहिए ऐसा हमारा मत नहीं है, लेकिन हमने जो खोले हैं वो बता रहा हूं कि हमने आने के बाद फरीदाबाद का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, सिरसा यमुनानगर कैथल में घोषणा की है उसका बहुत जल्दी निर्माण शुरू हो जाएगा, नारनौल में, जींद में, भिवाणी में और गुरुग्राम में यह निर्माण शुरू हो चुका है, श्री कृष्णा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये बन चुका है, डेंटल कॉलेज मेवाद में 135 करोड़ रुपए का ये बन चुका है, कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से यूनिवर्सिटी ये बन चुकी है, 6 नर्सिंग कॉलेज 194 करोड़ रुपए के बन चुके हैं, और ये तो जो नए बनाए हैं वो बोल रहा हूं, जो पुराने भी पहले बनाए गए थे उसमें भी भवन खड़ा करने तक ही सीमित रहे, उन्होंने उसको आगे विस्तार नहीं किया उसका। हमने हरेक मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया और 2014 में जो एमबीबीएस की 750 सीटों का एडमिशन मिलता था आज वो 1850 एमबीबीएस की सीटें इस साल एडमिशन हुए हैं, मोर देन डबल। आखिर ये हमारे वाले मेडिकल कॉलेज तो जब चलेंगे तब चलेंगे, ये तो पहले वालों का ही विस्तार किया, उसमें भी हमने पर्याप्त पैसा खर्च किया है,
बजट में भी जितना पैसा उन्होंने नए लगाने में किया होगा उससे ज्यादा बजट हमने उन सब मेडिकल कॉलेज में लगा के और ये 1850 मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ा करके हमने ये सब काम किए हैं। तो मित्रों, कोविड का जो सबसे बड़ा विषय वो था कोरोना। कोरोना में जैसे मैंने बताया कि सारी व्यवस्था हमने ठीक से की, आज सारी दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हर दिन ही चर्चा का विषय रहा। एक बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, ऑक्सीजन का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस बार था तो ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र से भी हमने जितना मिलना था वो लिया और अतिरिक्त भी प्रयत्न जितने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को जो मेडिकल ऑक्सीजन में बदलने के लिए काम किए वो हमने किए। यहां तक कि जो गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन हमको मिल रही थी क्योंकि तो लिक्विड ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्टेबल है तो उन लिक्विड ऑक्सीजन को गैसियस ऑक्सीजन को उपयोग करने के लिए दो जगह हमने स्पेशल मेडिकल हॉस्पिटल बनाए 500 बेड के पानीपत में हिसार में। यह भी यूनिक काम हुआ है, कहीं किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। एक आध दो प्रदेशों में हमारे साथ साथ ही हमारे बाद बने हैं लेकिन पहली बार देश में यह प्रयोग हुआ है। हमारे ये दोनों हॉस्पिटल भले आज वहां पेशेंट्स नहीं है फिर भी ये 6 महीने तक रहेंगे। 6 महीने के बाद कोई दुर्भाग्य से अगर दोबारा से कोई विषय ऐसा आता है तो फिर ये काम आएंगे और नहीं तो 6 महीने बाद इसको डिसमेंटल किया जाएगा। ऑक्सीजन को प्राकृतिक ऑक्सीजन कैसे तैयार हो इस ओर भी हमारे वन विभाग की ओर से हमने योजना बनाई। बड़े बड़े वन ऐसे बनाए जाएं 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक जिसमें से 2 का भी शिलान्यास पिछले दिनों किया है और इस वर्ष में इन वनों को याद रखने के लिए कोरोना के कारण से याद रखने के लिए इसका नाम भी हमने विशेष रखा है ऑक्सी वन। इन वनों से ऑक्सीजन मिलेगी और नए वन जो बनेंगे ठीक है, पुराने वन खास करके वो पेड़ जिनकी आयु 75 वर्ष से ऊपर हो गई है ऐसे पेड़ों को भी हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारे प्राणवायु देवता है। तो इस प्राणवायु देवता के नाते उनकी भी हमने 2500 रूपये साल की पेंशन लगा दी है कि जो उन पेड़ों की देखभाल अब करेगा वो व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, गांव की पंचायत हो, शहर नगर पालिका हो, जो भी कोई इसकी चिंता करेगा उसको 2500 रूपये साल का रख रखाव के लिए उसके सम्मान के लिए उनको ये दिया जाएगा, ये मिलेगा। कुल मिलाकर कोरोना के इस कारण से हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं हैं उनको भी मजबूत किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ CHCs, PHCs उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, डॉक्टर्स और बढ़े, इसके लिए डॉक्टर्स की भर्ती, पैरामेडिक्स की भर्ती, नर्सेज की भर्ती ये भी जरूर हम आगे बढ़ाएंगे करेंगे। जितने भी हमारे यहां पढ़ लिख करके आएंगे उनको भी पढ़ाएंगे, जो बाहर से भी आएंगे उनको भी मिलेंगे, इसको प्राथमिकता पर इनकी भर्ती हम करेंगे। अब मैं कोरोना के कारण से जो कष्ट परिवारों में हुआ खास करके जो लोग हमारे बीच में से चले गए उनका एक जो बिछोड़ा है वो हमको सहन करना पड़ा, उन परिवारों की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, कुछ लोग इलाज के कारण से उनके खर्च बहुत हुए हैं, कुछ लोगों के काम व्यवसाय खास करके छोटा जो मजदूर दुकानदार ऐसे लोगों को उसका बड़ा सहन करना पड़ा है। तो ऐसी हमने कुल मिलाकर कुछ योजनाएं जो सूची है वो आपके सामने मैं जरूर रखता हूं, बाद में लिखित भी आपको सब मिल जाएंगी। सबसे पहले तो जिन के माता पिता कोरोना में छिन गए उनके लिए हमने नगद राशि, बैंक अकाउंट में राशि और यहां तक 23 साल का कोई अनाथ हो जाता है तो उनको 10 लाख रुपए की नगद राशि भी मिलेगी। जो लोग छोड़ के चले गए और BPL परिवारों से थे ऐसे 18 से 50 साल तक की आयु के जितने लोग गए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की एक एक्सग्रेशिय राशि ये भी हमने शुरुआत की है। आज कुछ करने वाले ना उसको, हाँ उसको अभी आज हम कुछ एक संख्या जो है अब जितने भी आज ऑनलाइन हो पाएंगे आज करेंगे लेकिन आज से उसको शुरू कर दिया गया है कि जितने ऐसे लोग हमें छोड़कर चले गए हैं वो अप्लाई भी करेंगे ऑनलाइन और हम डाटा जो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में उसमें से भी निकाल सकेंगे। तो ऐसे गरीब परिवारों को 18 से 50 वालों को 2 लाख रुपये नगद राशि ये भी उनको दी जाएगी BPL के लिए। ऐसे ही जो होम आइसोलेशन में BPL परिवार के जो सदस्य बीमार हुए कोविड से उनको भी हमने 5000 रूपया ये हर व्यक्ति को दिया है, वो भी आज उसको भी हम लॉन्च कर देंगे। लगभग अभी ये 10000 के आसपास ये संख्या हमारे पास आ गई है, बाकी जैसे जैसे इनमें सप्लाई करेंगे लोग वैसा वैसा इनको और आगे बढ़ा देंगे। अस्पताल में जो भर्ती हुए थे
ऐसे प्रति व्यक्ति 35,000 रुपए की राशि, 35,000 नहीं है तो हमने बाद में पूरी राशि कर दी है कि जितना उनका खर्च आएगा बीपीएल का वो सारा खर्च हम देंगे, तो इसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। फिर जो कुछ गरीब लोग हैं, निर्माण श्रमिक हैं, ऑटो रिक्शा है चालक, रिक्शा चालक श्रमिक, जो कम आय वाले हैं, रेड़ी फड़ी वाले, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, क्योंकि उसका कोई डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, पिछले कोविड में हमें मिला था, फिर भी उसको एक पोर्टल हम खोल रहे हैं, 18 जून से उसके ऊपर रजिस्टर करना शुरू करेंगे, ताकि जो लोग हमारे परिवार पहचान पत्र में आ गए होंगे और ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उनको सबको मिलाकर, तो ऐसे लगभग ये 12 लाख लोग हैं, परिवार हैं, तो ऐसे 12 लाख परिवारों को हम एक मुश्त 5,000 रुपये सबको दे रहे हैं, जो ये कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए की लागत का एक पैकेज ये आज हम घोषणा कर रहे हैं। हर एक परिवार को 5,000 रुपया एक मुश्त, अब वो उसका इनकम कम हुई या कहीं खर्चा ज्यादा हुआ, वो मेडिकल हेल्प इसे अलावा है, जो हेल्थ सर्विसेज के पहले है वो अलावा है, उसके अलावा ये जो काम व्यवसाय छोटे काम करने वाले, ये जो भी कैटेगरीज मैंने बताई है, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की कैटेगरीज हैं, आशा वर्कर्स, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये भी लगभग 22,000 संख्या है। इस 22,000 संख्या भी, क्योंकि इन्होंने काम बहुत किया, मेहनत बहुत की है, हालांकि इनको अपने व्यवसाय के नाते अपनी तनख्वाह के नाते से मिलता भी होगा, तो भी जो कि एक चैलेंज इनके लिए था, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स जैसे हम कह सकते हैं उस प्रकार की श्रेणी में है, तो इनको भी 5,000 रुपया प्रति परिवार प्रति व्यक्ति बल्कि लाकर ये इनको दिया जाएगा, जो 11 करोड़ रुपए की ये राशि है। छोटे दुकानदार, ये भी जो बीपीएल परिवार हैं, 3 लाख की संख्या लगभग इनकी है, ये मेरे पास रजिस्टर्ड है, तो ऐसे 3 लाख बीपीएल छोटे दुकानदार, इनको भी 5,000 रुपया प्रति परिवार, तो 150 करोड़ रुपया ये भी हमारा इसके अंदर लगेगा, उनको भी एक राशि एक मुश्त दी जाती है। पावर डिपार्टमेंट ने कुछ घोषणा की है कि जो बिल हैं जिनका फिक्स चार्जेस आता है, काम नहीं हुआ कम हुआ तो भी मंथली चार्जेस या फिक्स चार्जेस जो लगते हैं, उनका पैमाना यह तय किया है कि अगर किसी का जनवरी फरवरी और मार्च का जो बिल है एवरेज बिल, उससे अभी जो इन 3 महीनों में एवरेज बिल यानी अप्रैल मई जून, इनका एवरेज बिल अगर 50% से कम है, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा है तो ईमान के चले को काम चलता है उसका ठीक है, लेकिन अगर बिजली बिल ही 50% से कम आया है तो मतलब उनके काम में कहीं ना कहीं अड़चन पड़ी है, तो ऐसे लोगों के लिए रियायत है कि उनका जो फिक्स चार्ज है यदि वो 10,000 रुपया महीना से कम है तो उसको सारे का सारा रिफंड किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा या दे दिया होगा तो रिफंड किया जाएगा, अगर 10,000 से कम है, 10,000 से या समझो 10,001 से 40,000 रुपए तक अगर फिक्स चार्ज है तो उनको 10,000 रुपए एक मुश्त ये रिबेट मिलेगा, और 40,000 से ऊपर अगर है तो 25% उसका रिबेट मिलेगा। 3 कैटेगरी हो गई, 10,000 तक है तो पूरा माफ, 10,000 एक से 40,000 है तो 10,000 फिक्स, और 40,000 से ऊपर है तो 25%, अर्थात 40,000 भी है तो भी 25% में 10,000 हो जाता है, 44,000 तो 11 हो जाएगा, 60 है तो 15 हो जाएगा, तो ऐसा करके एक पावर डिपार्टमेंट ने ये पिछली बार भी एक राहत दी थी, इस बार भी ये राहत उनको दी जा रही है। और साथ में ही 30 जून तक कोई इनके ऊपर अधिभार नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा, मानो लेट पेमेंट हुई है तो उसको 30 जून तक नहीं लगेगा, 30 जून के बाद जरूर उस पर ब्याज या जो अधिभार है वो लगेगा। संपत्ति कर हमारे यूएलबी की स्कीम है कि जो ये 21-22 का पहला क्वार्टर है अर्थात अप्रैल में जून, इसका संपत्ति कर ये पूरे का पूरा माफ कर दिया जाएगा, लगभग 150 करोड़ रुपए का ये खर्च जो है ये आएगा। ऐसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट जो उन पर नहीं, नॉन गुड्स ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट पर तो रात नहीं है, लेकिन नॉन गुड्स ट्रांसपोर्ट जो माल नहीं ढोते हैं सवारियां ढोते हैं, ऐसे मोटर व्हीकल्स को पहले क्वार्टर का जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा, यानी ये जो पहला क्वार्टर अप्रैल में जून,
इसका भी 72 करोड़ रुपए का डिपार्टमेंट के ऊपर बोझ पड़ेगा। इनकी जो फिटनेस डेट है जो पहले खत्म हो गई थी उसको भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है ताकि ये 30 जून के बाद अपनी फिटनेस ये करा सकते हैं। राशन काम को पता है कि दीपावली तक केंद्र सरकार ने और ये तय किया है कि हर गरीब परिवार को दीपावली तक राशन मुफ्त मिलेगा, उसका कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। एक कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने कुछ इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ट्रैक्टर्स को जो क्या बोलते हैं ट्रैक्टरों ई ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाते से वो डीजल से नहीं चलेंगे बल्कि ई ट्रैक्टर इस नाते से उनका एक प्रावधान निकला है। तो ई ट्रैक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने यह तय किया है कि इसका आज 600 दिन हुए हैं तो 600 पहले ट्रैक्टर्स उनको अप्लाई करना होगा। एक तिथि निश्चित, तिथि तो नहीं की हुई निश्चित, 2 महीने 3 महीने कुछ करते हैं, 3 महीने यानी अभी हम जून में हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक जो लोग ट्रैक्टर बुक कराएंगे खरीदना चाहेंगे उनको ई ट्रैक्टर पर 25% का लाभ मिलेगा। और अगर वो संख्या 600 से ऊपर हो जाती है क्योंकि अप्लाई करेंगे पहले तो फिर बाय लॉट 600 लोगों को यह लाभ मिलेगा, 600 से कम रह जाते हैं तो सबको मिलेगा। एक विषय और बताना रह गया है, बड़े शहरों में हमने 4th फ्लोर इसका रजिस्ट्रेशन ये भी अलाउ किया है, वरना पहले 3 फ्लोर की रजिस्ट्रेशन होती थी, 4th फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, 3rd और 4th इकट्ठा एक ही मालिक का नाम होता था। तो शहरी जो मकान है उनको इसका बहुत लाभ हुआ है, अपने 1 फ्लोर को और बना करके किराया आदि पर वो दे सकते हैं तो इससे उनकी आजीविका ये बढ़ी है, तो एक बड़ा काम ये किया है। अनऑथराइज कॉलोनीज 1200 से ऊपर कॉलोनीज ऐसी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है जिनकी मोडेलिटी तय हो रही है उनको सबको हम जितनी भी ये सुविधाएं हैं पानी की बिजली की सीवरेज की एक डेवलपमेंट चार्ज उनसे लेकर के और इनको सबको रेगुलराइज करेंगे, वो प्रोसेस में है, बहुत जल्दी उसका एक अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो 1200 कॉलोनी ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है कि हम अपनी कॉलोनी का रेगुलेशन चाहते हैं। पावर जहां तक बात है हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि 67% गांव में और 24 घंटे बिजली ये अब जाती है, यानी ये उनको मिलती है। हमारा गांव जगमग गांव स्कीम के अंतर्गत अब धीरे धीरे ये 5200 गांव तक हम पहुंच गए हैं। हमारी योजना है कि बाकी बचे हुए गांव में जो 1/3 बचे हैं उनको भी पूरा करें ताकि हरियाणा ऐसी पहली स्टेट बन जाए कि हर गांव में 24 घंटे बिजली वो जो मिलती है सबको दे सकते हैं। मित्रों मैं थोड़ी बात किसान आंदोलन की करता हूं। देखिए हमने किसान आंदोलन के बारे में पहले भी कई बार बताया, आज मैं फिर बता रहा हूं आपके माध्यम से, फिर आज 600 दिन पूरे होने पर मैं अपील भी करता हूं कि इन 3 कानूनों का कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं है जिस प्रकार का प्रचारित किया जा रहा। पीछे हमारे जो फार्मर्स थे प्रोग्रेसिव फार्मर्स उस दिन भी मैंने कहा था कि हम इनका उपयोग करना शुरू करें, एक बार इसको लागू होने दें, लागू होने के बाद कोई भी उसका दुष्प्रभाव होगा तो आखिर किसान भी इस देश के हैं, सरकारें भी इस देश की हैं, लागू करने वाले भी यहीं के लोग हैं, सब मिलकर के इसके ऊपर फिर विचार करेंगे कि हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम किसानों की सब सुविधाएं वो आज भी दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे, कहीं इसमें कमी नहीं है। हाँ लेकिन कुछ प्राथमिकताएं जो तय की हैं उसके अनुसार किसानों को भी सहयोग करना चाहिए, खास करके जो एक विषय में भी दो विषय आधार बताने जा रहा हूं कि ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने खोल दिए हैं लेकिन एक ही शर्त लगाई है कि 35 हॉर्सपावर तक अभी प्राथमिकता पर हम देंगे लेकिन 15 से ऊपर जो हॉर्सपावर है उसको माइक्रो इरिगेशन का जरूर जोड़ेंगे। अगर माइक्रो इरिगेशन का हमने प्रावधान नहीं किया यहां जो कि पैसा सारा सरकार दे रही है, 85% सरकार दे रही है, तो इसका मतलब हम पानी के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। पानी का संकट इतना ज्यादा है कि अगर हमने इसको ध्यान नहीं किया तो हमारी अगली पीढ़ियां पानी के बिना ही चिल्लाएंगे, एक बहुत बड़ा संकट आगे खड़ा होगा। तो हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि पानी को जरूर बचाएंगे, सरकार यानी किसान की फसल को कम नहीं होने देंगे,
माइक्रो इरिगेशन पर भी फसल कम नहीं होती है, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है और जो सिस्टम बनाएगा उसको हम पावर कनेक्शन देते चले जाएंगे। ये जो आ रहा है कि इस बेल्ट में बंद कर दिए, उस बेल्ट में कनेक्शन बंद कर दिए, सब गलत है। 35 से ऊपर भी, जब ये 35 वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ऊपर के वो भी माइक्रो इरिगेशन के साथ उसको खोलेंगे। 100 मीटर से नीचे अगर पानी चला गया तो अनिवार्य रूप से ही माइक्रो इरिगेशन जरूरी है। 100 फुट से अगर नीचे चला गया तो अनिवार्य माइक्रो इरिगेशन है। 100 फुट से ऊपर है तो थोड़ी रिलैक्सेशन अगर छोटी मोटर है तो दी जा सकती है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट एक संकेत हम देना चाहते हैं, हमारी नीति है कि पानी बचाएंगे तो अगली पीढ़ियों को सुख पाएंगे। इसलिए इस पर सब्सिडी भी है 100 फुट से नीचे सब्सिडी है। माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी तो बाकी में भी है, 85% सब्सिडी सब जगह है, 100 से नीचे नहीं बाकी जगह भी है। क्यों हमारे है? सब जगह है, कोई 100 से नीचे नहीं, सब जगह ही होगा। और एक दूसरा विषय, इस बार हमने बाजरे की खरीद की, एक बहुत अच्छा संदेश उसका गया कि हम हरियाणा में बाजरा खरीद रहे हैं और सबका खरीद रहे हैं। संयोग से 7 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हमारी खरीद हुई, लेकिन उसमें एक पहलू ऐसा जिसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि राजस्थान खरीदता नहीं है और राजस्थान का किसान भी, क्योंकि रेट का अंतर बहुत है, रेट का अंतर यानी उस समय सीजन के दिनों में भी 400-500 रुपया होता है, बाद में तो हमको बहुत सस्ता बेचना पड़ा, लेकिन 400-500 रुपए के लालच में राजस्थान का किसान हमारे यहां बेच के जाता है। और दूसरा कुछ लोग बाहर से सस्ता ला करके व्यापारी भी किसान के नाम से बेच जाता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो नुकसान होता है ये अल्टीमेटली तो हरियाणा के किसान का नुकसान है, क्योंकि वही पैसा जो बचेगा वो किसान के खाते में कहीं और देंगे हम। बहुत सी योजनाएं हमारे पास किसानों की हैं, इस बार 700-800 करोड़ रुपए से ऊपर नुकसान इसका गया है हमारा, जो हमने दोबारा से बेचा है उसको, क्योंकि अपनी खपत बहुत कम है। बहुत मुश्किल से 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन हरियाणा की बाजरे की खपत है जो पीडीएस में हम देते हैं, बाकी सब बेचना पड़ता है। इस बार हमने बाजरे के लिए भी कहा है कि उसकी खेती भी कम करो, और कम करने के लिए एक योजना जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना बनाई थी हमने 7,000 प्रति एकड़ की, बाजरे की हम योजना दे रहे हैं, क्योंकि बाजरे में पानी वाला विषय नहीं है, बल्कि पानी तो बाजरे में कम लगता है, लेकिन बाजरे की खपत तो उतनी नहीं है जितनी उपलब्ध होती है, इसलिए उसकी जगह दालें लगाएं, मूंग लगाएं, उड़द लगाएं, अरहर लगाएं, कपास बोएं। तो ये चीजें अगर करेंगे तो उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़, जिन्होंने पिछली बार बाजरा बोया था और इस बार दाल पर तिलन पर शिफ्ट हो गए, उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको अनुदान मिलेगा। और जो बाजरा भी बोएंगे उसको भी इस बार हम भावांतर भरपाई योजना से ही खरीदेंगे, ताकि राजस्थान का आदमी ना आ सके, ताकि जिसने स्टोर कर लिया है वो दोबारा से मंडी में ना बेच सके, क्योंकि स्टोर करने वाले आज भी स्टोर करके हमारे यहां सस्ता खरीद के कि अब जब मंडी खुलेगी तो हम सरकार को 2,250 फिर बेच देंगे, तो वो रोटेशन चलता रहेगा। उस रोटेशन को बंद करने के लिए केवल किसान जिसने बोया है उसी को भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा। तो ये एक किसानों के हित में, खास करके हमारे जो बाजरा ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनके हित में ये बात मैंने बताई है कि बाजरा छोड़ दें तो 4,000 रुपया लें, बाजरा बोए तो इस बार प्रोक्योरमेंट की बजाय उनको भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा, डीबीटी से मिलेगा सबको, सबके उनके खाते में जाएगा, वो हमारे पास डाटा आ जाएगा सारा, मेरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा में इस बार। और डाटा को लेने के लिए थोड़ा सा इस बार हम और मेहनत करेंगे कि हर खेत का फसल का डाटा ये हमारे पास आ जाए। कई बार बहाने मारते हैं कि हम तो बोया था बाजरा लेकिन हमारी तो फसल लिखा ही नहीं गया, तो इस बार सारे डिपार्टमेंट लग करके, चाहे उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और हमने आउटसोर्सिंग सिस्टम से भी हम लोग लगाएंगे, ड्रोन मैपिंग ये भी हम कराएंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सख्ती से लागू करेंगे। ये विषय भी आपके सामने मैंने रखना था। ड्रोन की बात आ गई, एक विषय और जो मेरे उसमें लिखा नहीं था लेकिन मुझे याद आ गया इसलिए बता रहा हूं। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और एक कारपोरेशन बना रहे हैं, ड्रोन कारपोरेशन ऑफ हरियाणा, और जितना भी सर्वे ड्रोन से करने की आवश्यकता विभागों को पड़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे फॉरेस्ट है, माइंस है, अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत का डिपार्टमेंट है, या टाउन कंट्री प्लानिंग है, क्योंकि ये सबको एरियल सर्वे की जरूरत पड़ती है। ऐसा एरियल सर्वे करने के लिए एक ड्रोन कारपोरेशन हरियाणा हमने बनाया है, जिसमें
पहले चरण में 100 ड्रोन और एकदम अगले चरण में 100 ड्रोन और, तो ऐसे दो चरणों में 200 ड्रोन लिए जाएंगे। हमारे पास 40 से 50 ड्रोन हैं अभी, लेकिन अलग अलग विभागों में है, कोई फॉरेस्ट के पास है, कोई हमारे क्रिड के पास है, कहीं बाकी डिपार्टमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी कर रहा है, उन सबको इकट्ठा करेंगे ड्रोन कॉर्पोरेशन में और 200 ड्रोन का ये प्रावधान करके। और इस 200 ड्रोन को करने का मतलब यह है कि हर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 200 स्क्वायर किलोमीटर में एक हो जाएगा, 200 स्क्वायर किलोमीटर में एक ड्रोन 10 दिन के अंदर पूरा सर्वे कर लेता है। तो ऐसा ये बड़ा महत्वाकांक्षी हमारा कार्यक्रम है जिससे बहुत प्रकार की समस्याएं हमारी खत्म होंगी। मैं तो हमें अंत में इतना ही है कि आज का विषय आपके सामने रखा कि इन 600 दिनों में हमने क्या किया, पिछले 5 साल की कहानी तो चूंकि कई बार बताई जा चुकी है, सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब हर 100 दिन के बाद हम आपके पास आएंगे, 700 दिन पर भी आएंगे, 800 दिन पर भी आएंगे, ताकि जो सालों का हिसाब चाहते हैं उनको दिनों का हिसाब दे सकें और जनता को बता सकें। उनको हिसाब देना दे, हम इतनी चिंता नहीं, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं कि जनता की अपेक्षा, जनता की जो आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, इसको आधार मान करके हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो इस बार कोरोना का जो एक काल था, हम आशा अपेक्षा करते हैं कि